एक गांव में एक मटके वाली चुड़ैल का साया था। वह बहुत डरावनी थी। रात को 3 बजते ही वह चुड़ैल लोगों को दिखाई देती थी। उसने अपने सिर पर 5 मटके रखे हुए थे। उन मटकों में से आग निकल रही होती थी। गांव वाले उस चुड़ैल को अपने घर की खिड़कियों से छुप छुप कर देखा करते थे, लेकिन उसके पास जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अजी सुनिए, ये चुड़ैल रोज आधी रात को ये 5 मटके लेकर क्यों घूमती है? पता नहीं इसे किसकी तलाश है। मुझे आभास हो रहा है कि गांव में जरूर कुछ बहुत बुरा होने वाला है। फिर अगले दिन, अरे भाई हीरा, अब तो हद ही हो गई। पूरा साल बीत गया लेकिन बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। मुझे तो लगता है इस साल भी गांव में सूखा पड़ेगा। भाई मुझे तो लगता है ये सब उस मटके वाली चुड़ैल की वजह से हो रहा है। वह रोज रात को आग से भरे मटके लेकर पूरे गांव में घूमती है। मुझे लगता है उसी की वजह से गांव में सूखा पड़ रहा है। तुम सही कहते हो, पता नहीं कब इस चुड़ैल से हमारा पीछा छूटेगा। चलो भाई, देर हो रही है, उस लालची सेठ के घर जाना है, उसके कुएं से पानी भरने। अगर लेट हो गए तो बहुत भीड़ हो जाएगी सेठ के कुएं पर। इस लालची सेठ ने तो हद ही कर, ये हम सब गांव वालों की मजबूरी का फायदा उठा रहा है। हाँ भाई, तुम सही कहते हो, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। अब चलो, वरना देर हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ गांव में सूखा पड़ने की वजह से वह लालची सेठ अपने कुएं का पानी लोगों को बेचा करता था, क्योंकि गांव के लगभग सारे कुएं सूख चुके थे। अरे सेठ जी, आज मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कल दे दूंगा, कृपया करके मुझे कुएं से पानी लेने दो। अरे चल भाग यहाँ से, बिना पैसों के किसी को पानी नहीं मिलेगा। पहले पैसे लाओ फिर पानी पाओ। उस सेठ ने लालच की सारी हदें पार कर दी थी। फिर एक दिन, इस साल भी गांव में सूखा पड़ा है, हमें गांव वालों की मदद करनी चाहिए। हमें अपने कुएं के पानी के लिए लोगों से पैसे नहीं लेने चाहिए। क्यों री, तुझे बड़ी दया आ रही है इन गांव वालों के ऊपर? चुपचाप जाके अपना काम कर, यही तो मौका है पैसे कमाने का। मैं इसे अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। तो फिर ठीक है, मुझे भी इस घर में तुम जैसे लालची इंसान के साथ नहीं रहना। मैं आज ही अपने मायके जा रही हूँ। ठीक है, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेठ की इन्हीं आदतों की वजह से उसकी बीवी भी उसे छोड़कर चली जाती है। अब तो मजा ही आ गया, ये सारी धन दौलत अब सिर्फ मेरी है। फिर अगले दिन सुबह होने पर गांव वाले कुएं से पानी भरने के लिए खड़े होते हैं। उनमें सबसे आगे एक साधु बाबा होते हैं। देखो साधु बाबा, इस कुएं से मुफ्त में पानी नहीं मिलता, तुम्हें इसके लिए पैसे देने होंगे। वत्स, मेरे पास पैसे तो नहीं है। तो फिर कहीं और से पानी भर लीजिए, यहाँ मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। मूर्ख इंसान, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। तुम में इंसानियत खत्म हो चुकी है, इसके लिए तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इतना बोलकर साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं। फिर रात होने पर वह मटके वाली चुड़ैल फिर से 5 मटके लेकर गांव में आ जाती है। गांव वाले उसे देखकर घबरा जाते हैं। इस बार वह सीधा सेठ के घर के बाहर जाती है और उसका दरवाजा खटखटाती है। अरे इतनी रात को कौन आ गया पानी लेने? इससे 5 गुना ज्यादा पैसे वसूलूंगा पानी के लिए। फिर वह सेठ खिड़की से झांक कर देखता है तो वह हक्का बक्का रह जाता है। अरे मर गए रे, ये तो वही मटके वाली चुड़ैल है, आज ये कहां से आ गई? अब मैं क्या करूं? अगर मैंने दरवाजा खोला तो ये मुझे कच्चा ही खा जाएगी। हे भगवान, मुझे इस चुड़ैल से बचाओ। चुड़ैल फिर से दरवाजा खटखटाती है, लेकिन सेठ डर के मारे दरवाजा नहीं खोलता तो चुड़ैल अपने 5 मटकों में से एक मटका उसके दरवाजे के बाहर रखकर चली जाती है। शुक्र है भगवान, आज तो मैं बाल बाल बच गया। फिर वह बाहर निकलकर देखता है और हैरान रह जाता है। उसके घर के बाहर एक मटका पड़ा होता है जिसमें से आग निकल रही होती है। लगता है चुड़ैल पानी लेने के लिए आई थी, तभी अपना मटका यहाँ छोड़ गई है।
इसमें जल्दी से पानी भर देता हूँ, नहीं तो ये मुझे नहीं छोड़ेगी। फिर वह उस मटके में पानी डालता है, लेकिन पानी उस मटके में नहीं जाता और आग और ज्यादा भड़क जाती है। अरे ये क्या, इस मटके में तो पानी जा ही नहीं रहा, ऊपर से ये आग तो और भी तेज हो गई। फिर अगले दिन सुबह होने पर सेठ सीधा उस साधु बाबा की कुटिया की तरफ उनसे मदद मांगने जाता है। हे साधु बाबा, मुझे माफ कर दो, उस दिन मैंने आपको पानी नहीं लेने दिया। मैं उस दिन के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। वह मटके वाली चुड़ैल कल रात को मेरे घर के बाहर एक मटका छोड़ के चली गई है, उसमें से आग के शोले निकल रहे हैं। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैंने उसे बुझाने की भी बहुत कोशिश करी, लेकिन वह आग बढ़ती ही जा रही है। कृपया करके मेरी समस्या का कोई समाधान निकाले। हे मूर्ख व्यक्ति, मैंने तुझे पहले भी कहा, तूने लालच की सारी हदें पार कर दी हैं। तुझ में अब कोई इंसानियत नहीं बची, इसीलिए उस चुड़ैल ने तुझे अपने भूत लोक का सरदार चुना है, और भेंट स्वरूप वह तुझे आग से भरा मटका देने आई थी। उस चुड़ैल को ऐसे ही व्यक्ति की तलाश थी जिसकी इंसानियत मर चुकी हो। ए, साधु बाबा, अब मैं क्या करूं? मुझे उन चुड़ैलों का सरदार नहीं बनना, कोई तो उपाय बताइए। अब तुझे उस चुड़ैल से कोई नहीं बचा सकता। फिर वह उदास होकर वापस अपने घर की ओर चल देता है। फिर अगले दिन रात होने पर, हे भगवान, रात के 3 बज गए हैं, कहीं वह चुड़ैल आज फिर ना आ जाए। तभी डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। अरे मर गए रे, लगता है वह चुड़ैल फिर से आ रही है। तभी वह चुड़ैल अपने सिर पर 4 मटके रखकर आती हुई दिखाई देती है। अरे सुषमा, देखो आज इस चुड़ैल के सिर पर 4 मटके ही हैं। अरे मर गए रे, ये तो सीधा यही आ रही है, अब मैं क्या करूं? वह चुड़ैल सेठ का दरवाजा खटखटाती है। हे चुड़ैल, घर पे कोई नहीं है, तू यहाँ से चली जा और अपना मटका भी ले जा, मुझे तुम्हारा सरदार बनने का कोई शौक नहीं। फिर वह चुड़ैल एक और मटका सेठ के घर के बाहर रखती है और चली जाती है। अरे बाप रे, ये तो एक और मटका रख के चली गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अरे सुरेश, तुझे पता चला, वह मटके वाली चुड़ैल सेठ के घर 2 मटके छोड़ के चली गई है। यार 2 दिनों से कोई गांव वाला पानी लेने भी नहीं आ रहा, अब क्या करूं? इस चुड़ैल ने तो मेरा सारा धंधा ही चौपट कर दिया। फिर वह उस मटके की आग को बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन आग और भड़क जाती है। अरे मर गए रे, ये आग तो और भड़क गई, अब मैं क्या करूं? फिर रात होने पर सेठ डरा सहमा हुआ खिड़की से बाहर की ओर देख रहा होता है, तभी उसे फिर से वही चुड़ैल दिखाई देती है। इस बार उसके सिर पर 3 मटके रखे हुए होते हैं। वह रोज की तरह दरवाजा खटखटाती है, लेकिन सेठ की हिम्मत नहीं होती कि वह दरवाजा खोले और चुड़ैल 3रा मटका भी उसके घर के बाहर छोड़कर चली जाती है। इसी तरह अगले दिन भी चुड़ैल आती है और 4था मटका भी सेठ के घर के बाहर रखकर चली जाती है। फिर अगले दिन चुड़ैल की खबर सुनकर उसकी पत्नी वापस अपने पति के पास आती है। सुनीता, अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। वह चुड़ैल मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गई है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि आपने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी हैं। ये तो होना ही था, लेकिन मैं अब सुधरना चाहता हूँ, कोई तो उपाय बताओ, मैं क्या करूँ? फिर अपनी पत्नी के समझाने पर वह अपनी कमाई हुई दौलत को एक पोटली में बांध कर गाँव के मुखिया को दे देता है। मुखिया जी, ये वह सारी दौलत है जो मैंने गांव वालों को पानी बेचकर कमाई थी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, कृपा करके इन सारे पैसों को आप गांव वालों में बांट दे। फिर इतना बोलकर सेठ वापस अपने घर की ओर चल देता है। सुनीता, मैं सारे पैसे गांव के मुखिया को दे आया हूँ, अब मेरे मन में कोई डर नहीं है, मैंने सब गाँव वालों को भी कह दिया है, उन्हें जितना पानी चाहिए वह मेरे कुएं से ले सकते हैं। मुझे आपके ऊपर बहुत गर्व है, आपने बहुत अच्छा काम किया है, अब हमें उस चुड़ैल से डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर रात होने पर वह चुड़ैल एक मटका लेकर
सेठ के दरवाजे पर पहुँच कर दरवाजा खटखटाती है। अरे मर गए रे, अब मैं क्या करूँ? नहीं नहीं, आपने अपनी गलती को सुधार लिया है, अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। इतना बोलकर सेठ की पत्नी दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाती है। हे चुड़ैल, अब तेरा यहाँ कोई काम नहीं है, मेरे पति अब तुम्हारा सरदार बनने योग्य नहीं है। अब तुम कहीं और जाकर किसी और पापी और जालिम व्यक्ति की तलाश करो। फिर वह चुड़ैल अपने चारों मटके वहाँ से उठाती है और रात के अंधेरे में कहीं गायब हो जाती है। अरे सुनीता, तुम तो बहुत हिम्मत वाली निकली जो उस चुड़ैल का सामना करने के लिए अकेले ही घर के बाहर निकल गई। हम जब भी अपनी जिंदगी में कोई गलत काम करते हैं तभी हमें डर लगता है। अगर हमने कोई गलत काम नहीं किया तो हमें किसी से डरने की भी कोई जरूरत नहीं है। और उस गांव से उस चुड़ैल का साया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।